नमस्कार, आप देख रहे हैं श्रेष्ठ भारत। आपके साथ मैं हूं कनिका। मणिपुर हिंसा की आग अभी ठंडी भी नहीं हुई कि राजस्थान से एक और रूह कपा देने वाली वैसी ही वारदात सामने आई है। राजस्थान के प्रतापगढ़ में एक आदिवासी महिला को उसके ससुराल पक्ष के लोगों ने सरेआम निर्वस्त्र कर पीटा और पूरे गांव में घुमाया। मणिपुर की तरह ही राजस्थान में भी बेशर्म भीड़ महिला को बचाने की जगह उसका वीडियो बनाती रही। महिला चीखती रही, चिल्लाती रही, अपने ही लोगों से रहम की भीख मांगती रही, लेकिन ना तो उसके ससुराल पक्ष को महिला पर कोई दया आई और ना ही बेशर्म भीड़ में से कोई हाथ उसे बचाने आगे आया। 24 घंटे तक तो राजस्थान पुलिस भी सोती रही। ये मामला गुरुवार शाम का है, लेकिन जब हैवानों की दरिंदगी का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ तो प्रशासन की नींद जागी और शुक्रवार शाम मुस्तैदी दिखाते हुए महिला के गुनहगारों को पकड़ा गया। लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। इंसानियत एक बार फिर शर्मसार हो चुकी थी। कुछ हैवानों ने फिर से देश को कलंकित कर दिया था। अब मामले पर सियासत भी शुरू हो चुकी है। खैर, देश के सियासतदान तो अपना काम करेंगे, लेकिन यहाँ सवाल ये खड़ा होता है कि आखिर ये क्या हो गया है हमारे समाज को? क्यों इतने बेशरम और हैवान हो चुके हैं लोग? क्या लोगों के अंदर का इंसान मर चुका है? क्यों लोगों को एक मजलूम महिला के आंसू नजर नहीं आते? तो इस पूरी खबर पर बातचीत के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं बीजेपी से लक्ष्मीकांत पारिक जी, कांग्रेस से सुरेश चौधरी जी हैं हमारे साथ, और इसके अलावा महिला मोर्चा बीजेपी से शारदा चतुर्वेदी जी हमारे साथ जुड़ रही हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका श्रेष्ठ भारत में। सबसे पहले सुरेश जी, मैं आपसे पूछना चाहूंगी कि जिस तरह से ये घटना सामने आई है, इससे पहले मणिपुर में जो घटना हुई थी उस समय आपने पीएम को बोलने पर मजबूर कर दिया था कि वो इस पर कोई बयान दे, कुछ बोले, अपनी चुप्पी तोड़े, बॉयकॉट तक किया आपने, लेकिन अब ये घटना जो है वो राजस्थान से सामने आई है, इस पर आप क्या कहेंगे? नहीं, घटना तो चाहे मणिपुर की हो, चाहे घटना मैडम राजस्थान की हो, चाहे घटना कहीं की हो, ऐसी घटनाओं को कभी भी सराहा नहीं जा सकता, इनको अच्छा बताया नहीं जा सकता। ये घटनाएं तो बुरी घटना है। इस घटना में और मणिपुर की घटना को आप एक करती हैं, एक साथ देखती हैं, तो मेरे हिसाब से आपका सोच अलग है, आपका विचार अलग है, आपकी सोचने की शक्ति अलग है। वो एक जातीय उन्माद था, दंगे हो रहे थे। यहां एक पति एक पत्नी की इज्जत आबरू उतार रहा है, उसको अधिकार नहीं है। मैं उसका पक्ष नहीं ले रहा, मैं उसके पक्ष में खड़ा भी नहीं हूं। किसी को कानून हाथ में लेने का या किसी पत्नी की भी पति को बेइज्जती या पत्नी को पति की बेइज्जती करने का अधिकार नहीं है। लेकिन अपन जागरूक समाज में खड़े हैं, जिस जागरूक समाज में अपन खड़े हैं और उस जागरूक समाज में जिस टाइप की ये स्थितियां बन रही है, पति और पत्नी का रिश्ता कितना मधुर रिश्ता है, जीव सात जन्मों का, अपने हिंदू संस्कारों में तो सात जन्मों का इसको रिश्ता माना जाता है, ये यूएस नहीं है। लेकिन जहां ये घटनाएं हो रही हैं, ये समाज के लिए भी अच्छी नहीं है, व्यक्ति और जो देखते हैं उनके लिए तो बुरी होंगी। तो इसलिए मैं इस घटना की भर्त्सना करता हूं और ऐसे व्यक्ति को सख्त सजा मिलनी चाहिए जिससे कि ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति नहीं। सुरेश जी, क्या एक्शन लिया जाना चाहिए ताकि इस तरह की घटना किसी भी स्टेट में, देश में कभी दोबारा ना घटे? क्योंकि पहले मणिपुर के टाइम पर भी सभी पार्टियों ने ये कहा था कि इस तरह की दोबारा घटना नहीं होनी चाहिए, चाहे मामला कोई भी हो, चाहे एक पति ने क्यों ना अपनी पत्नी को निर्वस्त्र किया हो, लेकिन मामला एक बार फिर आया है, एक बार फिर ये खबर सामने आई है जो वाकई शर्मनाक है। अब क्या ऐसा एक्शन लिया जाएगा कांग्रेस पार्टी की तरफ से जिससे ये पूरी तरह से अब मालूम हो कि इसके बाद दोबारा कोई भी शख्स इस तरह की हिमाकत ना करे? फिर मैडम, आप जितनी बार मेरे से मणिपुर का नाम लेकर इस घटना को जोड़ रही हैं, पूछ रही हैं, तो मुझे अच्छा नहीं लग रहा। पता नहीं आप क्या सोच रही हैं। मैं कह रहा हूं, इस घटना को और मणिपुर की घटना को आप एक कैसे मानते हैं? वहां वो दो जातियों में से मत जोड़िए, लेकिन फिर भी आप बताइए कि कांग्रेस पार्टी की तरफ से क्या स्ट्रिक्ट एक्शन लिया जाएगा? आप क्यों जोड़ रहे हैं? नहीं, पहले मैं ये पूछ रहा हूं, आप क्यों जोड़ रही हैं? जी क्यों जोड़ रहे हैं आप इस घटना को मणिपुर से? चलिए, मैं इस घटना को मणिपुर से नहीं जोड़ रही हूँ सुरेश साहब, लेकिन आप बताइए कि क्या एक्शन लिया जाएगा कांग्रेस पार्टी की तरफ से? आप अभी श्रेष्ठ भारत पर आप क्या बताना चाहते हैं, क्या एक्शन लिया जाएगा इस शख्स के खिलाफ ताकि दोबारा इस तरह की घटना ना हो, और क्या नियम कानून लागू होंगे ताकि कोई शख्स इस तरह की हिमाकत ना कर सके, फिर चाहे वो उसकी पत्नी हो या कोई और औरत हो? पहले तो श्रेष्ठ भारत श्रेष्ठता के साथ बहस करवाए, पक्षपात ना करे।
मैं कह रहा हूं कि मैंने आपने सुना नहीं क्या, मैंने कहा कि ऐसी घटनाओं का समाज में, सरकार में, कानून में, सिस्टम में कहीं भी कोई स्थान नहीं होना चाहिए। और मैं सरकार, हमारी सरकार से ये कहना चाहूंगा कि वो ऐसे व्यक्ति को ऐसी सजा दे, उस ये सजा उदाहरण बने और इसको देख के दोबारा ऐसी घटनाएं नहीं घटे, ये मैं कहना चाहूंगा। जी चलिए, लक्ष्मीकांत जी आपसे जानना चाहेंगे, इससे पहले अगर हम बात करें जिस तरह से मणिपुर की घटना हुई थी, उस समय आप लोगों ने बहुत सारे कारण बता दिए थे, लेकिन अब जो घटना हुई है उसे उस समय भी ये कहा गया था कि ऐसा दोबारा नहीं घटेगा, दोबारा इस तरह की कोई स्थिति सामने नहीं आएगी किसी महिला के, लेकिन एक बार फिर वही स्थिति आकर खड़ी हो गई है। हालांकि अभी सुरेश जी कह रहे हैं श्रेष्ठ भारत पर साफ उन्होंने ये बोला है कि वो अपनी सरकार से ये बोलेंगे कि इस तरह का उदाहरण सेट किया जाए ताकि दोबारा ऐसी घटना किसी राज्य में ना हो, आप क्या बोलेंगे? सबसे पहले तो मैं जो मणि ये घटना घटित हुई राजस्थान में, ये सभ्य समाज पर एक कलंक है। इस कलंक की जितनी निंदा की जाए उतनी कम है। जिस प्रकार से राजस्थान की सरकार के समय वर्तमान पिछले 5 वर्षों में राजस्थान में जिस प्रकार से बलात्कार, हत्या, लूटपाट की घटनाएं बढ़ी है, मैं फिर कानून व्यवस्था की बात करता हूँ, मैंने उस दिन भी कानून व्यवस्था की बात की थी, आज फिर कहता हूँ कि राजस्थान की कानून व्यवस्था की स्थिति वेंटिलेटर पर है। ये सरकार भी वेंटिलेटर पर है और कानून व्यवस्था की स्थिति वेंटिलेटर पर है। चूंकि राजस्थान में कानून व्यवस्था नाम की कोई चीज़ रही नहीं, यदि कानून का भय होता तो इस पर घटनाएं नहीं होती, लेकिन राजस्थान के अंदर राजस्थान मुख्यमंत्री को फुर्सत नहीं है कि राजस्थान की कानून व्यवस्था संभाल सके। देखिए, प्रियंका गांधी और राहुल गांधी की बात करता हूँ, प्रियंका गांधी जी को यूपी की बेटिया की आंखों के आंसू आंसू लगते हैं, मगर राजस्थान की बेटियों की आंखों के आंसू आंसू नहीं लगते। राजस्थान की किसी बेटी के बलात्कार की घटना पर बर्ताव नहीं करती, राजस्थान की किसी बेटी को निरस्त कर दिया जाए तो उसकी निंदा नहीं करती, इसके लिए कमेटी गठन नहीं करती केंद्रीय कांग्रेस, और न उस पर जांच की बात करती है। तो यहाँ पर एक विरोधाभास उत्पन्न होता है कि मणिपुर की बेटी बेटी और राजस्थान की बेटी बेटी नहीं है। सुरेश जी क्या कहेंगे आप इस कथन पर, मणिपुर की बेटी बेटी है और राजस्थान की बेटी बेटी नहीं है? मैं कहना चाहता हूँ कि सुरेश जी कहते हैं मणिपुर की घटना से घटक कैसे जोड़ा सकता है, मैं तो कहता हूँ द्रौपति का अच्छी रहना हो या राजस्थान की प्रतापगढ़ की इस बेटी का अच्छी रहना हो, मैं तो समान मानता हूँ। मणिपुर घटना के अंदर बेटियों के साथ किया गया अत्याचार भी अत्याचार था और राजस्थान की बेटी के साथ किया गया अत्याचार भी अत्याचार है और द्रौपदी के साथ किया गया अत्याचार भी अत्याचार था। इन सभी अत्याचारों की बात करें तो महिला अस्मिता पर डले हाथ निश्चित रूप से उसी दुशासन के हाथ है जो दुशासन के हाथ उस समय हुआ करते थे। तो राजस्थान के मुख्यमंत्री यदि उस समय समय रहते, विष्णु पिता में यदि अपनी प्रतिज्ञा तोड़ देते तो वो दिन शायद नहीं देखना पड़ता। यदि राजस्थान के मुख्यमंत्री अपनी कुंभकर्णी नींद से जाग गए होते, राजस्थान को घटना नहीं देखनी पड़ती। राजस्थान के मुख्यमंत्री केवल घोषणा मंत्री बनकर रह गए, राजस्थान के मुख्यमंत्री मुख्यमंत्री नहीं रहे, राजस्थान मुख्यमंत्री गृहमंत्री भी नहीं रहे, राजस्थान के मुख्यमंत्री सरकार को बचाने वाले व दिल्ली दरबार के चाटुकारिता करने वाले एक दरबारी के रूप में जिनका नाम लिया जा सकता है। लक्ष्मीकांत जी के इस जवाब पर सुरेश जी आप क्या कहेंगे? लक्ष्मीकांत जी को डबल इंजन की सरकार मणिपुर में तो गतिशील नजर आती है, यूपी के अंदर रात को जिस बच्ची के साथ बलात्कार होता है केरोसिन तेल डाल के रात को भर, अब बीच में नहीं बोला। देखो लक्ष्मीकांत जी, मैं नहीं बोला मेरे मुख्यमंत्री, देखो ना ना ना, आपकी ये बहुत गलत आदत है। मैं कह रहा हूँ डबल इंजन की सरकार इनको अच्छी लगती है, रात को 12 बजे ये बच्चियों को 10 इंच का करते हैं, वो काम इनको अच्छा लगता है, वहां इनको पता। इनकी सरकार, मैं कह रहा हूं कि हमारी सरकार की काबिलियत देखें कि हम 12 दिन के अंदर सजा दिलवा देते हैं, हम 24 घंटे नहीं होने देते, 4 घंटे के अंदर मुलजिम पकड़ लेते हैं, है? और आपके सांसद जो जो क्रीड़ा परिषद के चेयरमैन थे ब्रजभूषण, क्या किया आपने? देखिए, राजस्थान के मुख्यमंत्री को यदि कोई कार्रवाई करनी होती तो पिछले 5 वर्षों में कर गए होते। पिछले 5 वर्षों में महिलाओं पर अस्मिता पर अत्याचार लगातार बढ़े हैं, महिलाओं पर बलात्कार घटनाएं लगातार बढ़ी है, महिलाओं पर हिंसा की घटनाएं लगातार बढ़ी है, और जिस प्रकार से महिला अत्याचार पर राजस्थान अग्रणी स्थान पर आकर खड़ा हो गया, तो पिछले 5 वर्षों में यदि नहीं अग्रणी पे नहीं है, ना अग्रणी पे नहीं है, झूठ नहीं सुनेंगे आपके, अग्रणी पे नहीं है, तीसरे नंबर पे है। सुरेश जी, लक्ष्मीकांत जी, आपको मैं बीच में यही रोकूंगी, हमारे साथ शारदा चतुर्वेदी जी भी जुड़ी हुई है। शारदा जी, आपसे जानना चाहेंगे, जिस तरह से ये वाक्य सामने आया, जिस तरह से ये घटना सामने आई है, वाकई शर्मनाक है, निंदनीय है, क्या जो प्रदेश की महिलाएं हैं उनकी इज्जत का कोई मोल नहीं रह गया? मैं वाकई में बहुत ज्यादा शर्म महसूस कर रही हूँ कि एक औरत के शरीर को तमाशा बना के रख दिया गया है, चाहे राजस्थान हो, चाहे मणिपुर हो, चाहे MP हो, चाहे उत्तर प्रदेश हो, कोई भी शासित प्रदेश हो, कहीं की भी हो, महिला जो शरीर है वो मात्र एक 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 उपभोग की वस्तु
और एक तमाशा की चीज बना के उसको कहीं पे भी किसी जिसका जो मन होता है उसके साथ वो करते हैं। मजाक बना के रखा हुआ है क्या औरत के शरीर को जी? ये कहीं की भी सरकार हो, कहीं की भी सरकार हो। शारदा जी, इससे पहले जब मणिपुर का मामला सामने आया था, तब सारी पार्टियां एकजुट होकर यही बोल रही थी कि इंसाफ होना चाहिए, मणिपुर की महिलाओं के साथ न्याय होना चाहिए, जो जिन लोगों ने किया है उनको कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। लेकिन जाहिर सी बात है कि एक एग्जाम्पल सेट नहीं हुआ। अगर एग्जाम्पल सेट हुआ होता तो इस तरह की घटना कोई और करने की हिम्मत नहीं करता। मुझे लग रहा है एग्जाम्पल सेट करने का समय आ गया है। वो महिला जिसके साथ में राजस्थान में इस तरह से निवस्त्र करके उसके पति ने उसी के घर के घर वालों के सामने जो घुमाया, वो 6 महीने की गर्भवती थी जी। सोचिए, सोच के भी मेरा तो सिहर रहा है मन ये कि किस तरह से उस आदमी, वो वहशी था कि क्या था? उसके मन में एक बार भी ये नहीं आया कि वो पत्नी है मेरी, परिवार वाले बाद में, पहले मेरे ऊपर आ जानी चाहिए जी। उसके बावजूद उसने कुछ नहीं सोचा। शारदा जी, आप क्योंकि एक महिला भी हैं, जिस तरह से बाकी लोग जो वहां खड़े थे, मौजूद थे, वीडियो बना रहे थे, क्या आपको लगता है कि हमारा समाज जो है वो अब पूरी तरह से उसमें कोई शर्म नहीं बची है? क्योंकि जितने लोग वहां खड़े थे वो मूक दर्शक बन के तमाशा देखते रहे, उस औरत का वीडियो बनाते रहे, लेकिन किसी ने उसके पति को रोकने की कोशिश नहीं की, किसी ने ये नहीं सोचा कि इस शख्स को रोका जाए ये करने से? मैं खुद इस बात पे चिंतित हूँ। हमारा समाज, सभ्य समाज जिसको हम कहते हैं, वो रहा नहीं है, वो जा कहां रहा है? मेरा समाज, वहां सरकार जाने से पहले वहां मेरा समाज खड़ा था, उस गांव के लोग खड़े थे, उस परिवार के लोग खड़े थे, वो लोग क्या कर रहे थे? कानून बाद में आता, सरकार बाद में आती, उसका शासन अधिकार जो क्षेत्र था वो बाद में आता। शारदा जी, एक महिला होने के नाते आप क्या कहना चाहती हैं, किस तरह से अब एग्जांपल सेट किया जाए कि दोबारा हमें, खुद मैं एक न्यूज एंकर के तौर पर, इस तरह की स्टोरी दोबारा नहीं पढ़ना चाहती? मैं वाकई में पहले भी आप क्या आई यही बात हुई, आज भी मैं आई यही बात हो रही है। वाकई में ऐसे लोगों को चौराहे पे ना हाथ काट करके खड़ा कर देना चाहिए जी। औरत की तरफ बढ़ने वाला हाथ पहले कट जाना चाहिए। ऐसा हमारे हमारे कानून में ऐसी सख्त सजा होनी चाहिए इन लोगों के लिए। देखो, शारदा जी भी एक बहन है, एक माँ है, एक बेटी है। वो इन चीजों से, इन वेदनाओं से जितनी कुंठित हैं, मैं इनकी बात से सहमत हूँ, मैं इनके विचारों से सहमत हूँ, मैं इनकी बात का समर्थन करता हूँ। और मैं आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहूंगा कि राजस्थान सरकार कभी भी ऐसे चीजों में लापरवाही नहीं करती है। 7 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है, मतलब ये सरकार की वीडियो। शारदा जी कह रही है गिरफ्तारी से कुछ नहीं होने वाला। मैं आपकी बात से सहमत हूँ, मैं आपके विचारों में भी सहमत हूँ कि किसी भी, मैं आपकी महत्वपूर्ण बात तो इससे सहमत हूँ कि अपना समाज में कितनी बड़ी गिरावट आ गई कि जो लोग वीडियो बनाने का काम कर रहा था, उन लोगों को इमीडिएटली उसको पकड़ना चाहिए था, बहन को वस्त्र देने चाहिए थे और उन दरिंदों को थाने में पकड़ाना चाहिए था। काम तो ये करना चाहिए था। लेकिन मैं तो ये कह रहा हूं कि इस समाज की गिरावट है। आज ये इतना महत्वपूर्ण विषय है, ये विषय राजनीतिज्ञ नहीं है, इस विषय पे न मुझे राजनीति करनी चाहिए, न लक्ष्मीकांत जी को राजनीति करनी चाहिए। ये मैं ये कहता हूं कि मैं जिस प्रदेश में, जिस मोहल्ले में, जिस डिस्ट्रिक्ट में निवास करता हूं, वो अगर साफ सुथरा नहीं होगा, मेरे मोहल्ले से सुधार नहीं होगा, ये देश नहीं सुधर सकता। लक्ष्मीकांत जी, क्या वाकई आपको लग रहा है कि राजनीति से ऊपर उठने की जरूरत है और सभी पार्टियों को एकजुट होकर ऐसी घटनाओं के ऊपर एक रोकथाम लगाने की जरूरत है? क्योंकि अगर राजनीति होती रही तो इस तरह की और घटनाएं सामने आती रहेंगी। मैं एक बार फिर ऐसे ही खबर पढ़ूंगी और आप इस तरह से वापस मेरे साथ चर्चा के लिए जुड़ जाएंगे। देखिए, निश्चित रूप से ये घटना सभ्य समाज की कलंक, इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं। आज की घटना महिलाओं को नहीं, पुरुषों को झंझोर देने वाली घटना है। और जिस प्रकार का वीडियो और ऑडियो जनता ने बनाया, तो निश्चित वहाँ खड़े हुए जितने भी लोग थे वे सब भी इसमें सहभागी थे, उनके खिलाफ भी IPC की धाराओं के तहत मामला दर्ज होना चाहिए। जिन लोगों ने इस वीडियो को लगातार वायरल कर रहे हैं, उनके खिलाफ भी IPC की धाराओं के तहत मामला दर्ज होना चाहिए। उन सब लोगों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। निश्चित रूप से राजनीतिक दलों को राजनीति से ऊपर उठकर इस पर बात करनी चाहिए और सब लोगों को मिलकर एक कैसा सक्षम कानून बने, इस बारे में विचार करना चाहिए जी। शारदा जी, मैं आपसे जानना चाहूंगी, शासन तंत्र कितना मजबूत करने की जरूरत है? क्योंकि ये जो घटना सामने आई, उसके बाद वीडियो वायरल होने के बाद सबको पता चला, इस
मैं इसमें एक चीज और जोड़ना चाहती हूँ कि आपने जो जैसा कहा फास्ट ट्रैक कोर्ट जो है 7 दिन के, जब वीडियो है, जब समाज है, जब गवाह है, जब सारे के सारे मेरी मेरी बहन के पक्ष में सारी की सारी चीजें सबूत के तौर पे हैं, तो क्यों नहीं उसी वक्त कानून अपना काम और प्रणाली उसको दुरुस्त करके उसको सजा देता है। लक्ष्मीकांत जी बताइए आपके पास क्या जवाब है इस बात का? विषय की गंभीरता को समझो। अरे लक्ष्मीकांत जी विषय की गंभीरता को समझो, ये सुनना नहीं चाहते। इनको यही पता नहीं है कि लोग गिरफ्तार हो गए, इनको यही नहीं पता है कि मुख्यमंत्री जी ने इंस्ट्रक्शन। सुरेश जी लेकिन अभी फिलहाल जो बात हो रही है इस पूरे मामले में, क्योंकि सारी चीजों के गवाह है, वीडियो है, जो पुलिस है उसने 7 लोगों को गिरफ्तार किया है, क्या आपको लग रहा है कि इस पूरे मामले में जल्द एक्शन लिया जाना चाहिए और फास्ट ट्रैक कोर्ट में इसकी सुनवाई होनी चाहिए जल्द से जल्द? नहीं मैडम, फास्ट ट्रैक में एक्शन भी होगा, जल्द सुना भी होगी, लेकिन लक्ष्मीकांत जी मेरे भाई बीजेपी के प्रवक्ता विषय की गंभीरता को नहीं सोच रहे हैं। वो प्रियंका जी को बीच में ला रहे हैं, हाईकमान को बीच में ला रहे हैं। मैं नहीं ला रहा। अरे आपके हाईकमान तो ऐसे आ रहे हैं जैसे लोकल बस में रोज आ रहे हैं। आपके गृहमंत्री कितनी बार आ गए, प्रधानमंत्री जी कितनी बार आ गए? सुरेश जी मैं आपसे ये सवाल पूछना चाहूंगी कि जिस तरह से आप बोल रहे हैं कि बीच में लाने की जरूरत नहीं है प्रियंका जी को, लेकिन क्या जो बात करें कांग्रेस नेता राहुल गांधी की, तो वो मिलने के लिए पहुंचेंगे इस महिला से जिसके साथ ये हादसा हुआ है? आपको मोदी फोबिया से बचाने का काम आपका है, हमारा आग बुझाने का काम है, न्याय देने का काम है, बहन के संवेदना को समझने का काम है। ये जो घटना घटी है इसकी निंदा करने का हमारा काम है, आपका तो काम राजनीति करना है मेरे भाई। करो करो, ये सभ्य समाज आपको भी माफ नहीं करेगा। वो जैसे फोटो खींच रहे थे वैसे ही बर्ताव आप कर रहे हो, आप विषय की गंभीरता नहीं समझ रहे हो। सुरेश जी आप कह रहे हैं कि लक्ष्मीकांत जी विषय की गंभीरता को नहीं समझ रहे, लक्ष्मीकांत जी आप अपना पक्ष रखिए। मैडम सीधी तरीके से बात कर देना चाहता हूँ कि राजस्थान मंत्री ने जिस मुख्यमंत्री जो होता है वो किसी पार्टी का नहीं होता, विचारधारा है पार्टी उसकी। देश का प्रधानमंत्री किसी पार्टी का प्रधानमंत्री नहीं होता, विचारधारा है उसकी। आप विचारधारा से बात कर रहे हैं, आप विषय की गंभीरता को नहीं समझ रहे। आप शारदा जी यहाँ पर लक्ष्मीकांत जी सुरेश जी दोनों ये बात कर रहे हैं कि विषय की गंभीरता को नहीं समझ रहे, राजनीति हो रही है, क्या आपको लग रहा है कि इसी तरह से वापस राजनीति होगी इस मुद्दे पर और कहीं ना कहीं ये जो मामला है वो फिर दबकर रह जाएगा? क्या करके इस पे राजनीति न करे, सिर्फ एक ही वहां पे आपकी सरकार है, कृपया करके भाई साहब आप लोग उस आदमी को जितनी जल्दी हो सके सजा देने की कृपा करें, क्योंकि सारे सबूत मेरी बहन के पक्ष में है, और वहां पे राजनीति न करें और कृपया करके उसको सख्त से सख्त और जल्द से जल्द सजा करें, क्योंकि राजनीति बहुत बहुत सारे विषयों पर राजनीति हो सकती है, लेकिन कृपया करके महिलाओं के मुद्दों पे और खास करके उनकी अस्मिता से जुड़े मुद्दों पे आप लोग राजनीति न करें। बिल्कुल, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया शारदा चतुर्वेदी जी आपका और साथ ही लक्ष्मीकांत पारिक जी आपका भी और सुरेश चौधरी जी आपका भी इस पूरी बातचीत के लिए। तो हमारे साथ ये तीनों नेता जुड़े हुए थे, हमारे साथ बीजेपी से लक्ष्मीकांत पारिक जी थे, कांग्रेस से सुरेश चौधरी साहब थे और शारदा चतुर्वेदी महिला मोर्चा बीजेपी से थी। और जिस तरह से शारदा जी ने साफ तौर पर कहा कि राजनीति से ऊपर उठने की ज़रूरत है, क्योंकि महिलाओं के साथ अगर कोई अत्याचार हो रहा है और उस पर राजनीति हो रही है, क्योंकि यहाँ पर जो घटना हुई है उसमें सारे सबूत पुलिस के पास है, फास्ट ट्रैक कोर्ट में जल्द से जल्द इस पूरे मामले की सुनवाई होनी चाहिए ताकि इस महिला को न्याय मिल सके और ऐसी कड़ी सजा सुनाई जाए ताकि दोबारा इस तरह की घटना कभी हमारे देश में ना घटे। इस खबर में फिलहाल बस इतना ही, लेकिन बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए श्रेष्ठ भारत। नमस्कार। श्रेष्ठ भारत पर खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और देखते रहें श्रेष्ठ भारत।